तो दोस्तों, क्या आप जानते थे फेयर एंड लवली और फिटकरी मिलकर आपके चेहरे पर फेशियल जैसा ग्लो दे सकते हैं, जो पार्लर के लोग भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा फेशियल आपने कराया है कि इतना ग्लो मिला है। ये है हमारी फेयर एंड लवली, आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ 10 रुपए वाला पाउच इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं गले के पास और चेहरे के लिए बना रही हूँ, तो मैं इतनी क्वांटिटी रख रही हूँ। मैंने फुल क्रीम इसमें ले लिया है, तो आप देख सकते हैं ये इतनी क्वांटिटी में हो गया है। अब हम इसमें सबसे मैजिक इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, वो है हमारा रॉ मिल्क, कच्चा दूध। कच्चा दूध क्लींजिंग का तो बहुत अच्छा काम करता है, आपके चेहरे को गोरा बनाने में भी ये बहुत हेल्प करता है, और आपके चेहरे पे जितनी भी डस्ट मैल कुचैल है ये उसको भी रिमूव करता है। इतना अच्छा कच्चा दूध क्लींजिंग का काम करता है कि अगर आप डेली कच्चे दूध से ही अपने चेहरे के क्लींजिंग करते हैं, तो आपकी स्किन दिन ब दिन यंग और टाइट और बहुत ही ज्यादा गोरी हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे लेमन। लेमन को तो आप जानते हैं, विटामिन सी से भरपूर होता है, चेहरे के दाग धब्बों को रिमूव करता है। जब हम इसमें 2-4 बूंदे डालेंगे तो ये हमारा फटने लगेगा। ये देखिए, जिस तरीके से पनीर फट कर बन जाता है, उसी तरीके से दूध फट जाएगा, और ये हमारा कमाल का इंग्रेडिएंट्स बन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना सबसे इम्पॉर्टेंट और मैजिक इंग्रेडिएंट्स, वो है हमारी फिटकरी। फिटकरी पुराने से पुराने दाग घाव को ठीक करने में तो हेल्प करती ही है। आपके चेहरे की जो भी प्रॉब्लम है या फिर मुहासे हो रहे हैं, चेहरे पर झाइयां हैं, उन सबको ये बहुत आसानी से रिमूव करती है। तो हमें इसे छोटे से बारीक पाउडर में कर लेना है। पहले हमें इसे हल्का सा पीस लेना है। दरदरा पार्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके चेहरे पर नहीं तो रैशेज हो सकते हैं। हम इसे छान लेंगे, बिल्कुल टैल्कम पाउडर की तरह हमें महीन बिल्कुल फिटकरी का पाउडर मिल जाएगा। ये देखिए, जिस तरीके से मैंने छान के उसके मोटे कण को अलग कर लिया है, आपको भी उसके मोटे कण को अलग कर लेना है। और ये हमारा टैल्कम पाउडर, फिटकरी पाउडर तैयार हो गया है, बिल्कुल उसकी तरह ही मुलायम पार्ट आपको लेना है। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सिर्फ एक चुटकी फिटकरी। आपके चेहरे पर ऐसा जादू लाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि कितना अमेजिंग ग्लो हमारे चेहरे पर मिला है। आपके चेहरे की सारी प्रॉब्लम को रिमूव कर देगी, और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये दूध और नींबू इन सब चीजों से मिलकर ये पेस्ट बन गया है। ये थोड़ा सा थिक हो गया था, तो मैंने इसमें कच्चा दूध और 1 चम्मच इंक्लूड किया था कि ये क्रीम के पेस्ट में बन जाए, ताकि हम इसको अप्लाई कर सके फेस पे और आसानी से लगा सके। तो ये जो हमने कच्चा दूध रखा था, अब हम इसमें भी 1 चुटकी फिटकरी डालेंगे, और ये फिटकरी का क्लींजिंग तैयार हो चुका है। फिटकरी और कच्चे दूध का ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये आपके चेहरे के क्लींजिंग करेगा। आपके चेहरे पर अगर गर्मियों में, समर के सीजन में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, ये उसको रिमूव करता है। तो अब हमारा ये क्लींजिंग भी तैयार हो चुका है, और हमारा फेशियल के लिए फेस पैक भी तैयार हो चुका है। तो अब हम करते हैं कि कैसे आगे दिखाएंगे आपको कि कैसे आपको इसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम अपने चेहरे की क्लींजिंग करेंगे। तो मैंने कॉटन बॉल ले लिया है, और हम इसे अच्छी तरीके से अपने चेहरे की क्लींजिंग करेंगे, ताकि हम जो फेशियल करने वाले हैं उसका हमें दुगना रिजल्ट मिले। तो आप अच्छी तरीके से इसको फेस पे अप्लाई करिएगा, नेक के अराउंड अप्लाई करिएगा। कोई भी फेशियल आप कर रहे हैं तो नेक को बिल्कुल भी अवॉइड मत किया करिए, नहीं तो फेस और नेक का कलर बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो कभी भी नेक को अवॉइड मत करिए, फेस पे जो भी चीजें अप्लाई करिए नेक पे भी जरूर अप्लाई करिया करिए, और उसकी क्लींजिंग भी टाइम टू टाइम किया करिए, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो हम अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर लेंगे, और आप लास्ट में देखिएगा कितना डस्ट निकला है इसमें, मतलब कॉटन बॉल एकदम उस पर ब्लैक हो गया था। अब हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं जो हमने फेशियल के लिए फेस पैक बनाया था, जो हमें ग्लोइंग स्किन के साथ साथ फेयरनेस भी देगा,
बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको इसे इस्तेमाल करने के बाद। तो आपको पहले इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रीम की तरह अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है और इसे लगे रहने देना है। 2 मिनट बस आप इसे लगे रहने दीजिएगा और फिर मसाज करिएगा। तो पहले मैंने अपने फेस पर इसे अप्लाई कर लिया है, फिर मैं नेक के अराउंड इसे अप्लाई करूंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरी अच्छे तरीके से जितना पैक आपने बना रखा है उसे अपने पूरे फेस पर नेक के अराउंड अप्लाई कर दीजिएगा। ग्लोइंग, टाइट और यंग स्किन के लिए ये हमारी रेमेडी इतना अमेजिंग काम करेगी कि आप खुश हो जाएंगे कि इसके कितने अमेजिंग और ग्लोइंग रिजल्ट आपको मिले हैं। थोड़ी मेरी वॉइस को अवॉइड करिएगा क्योंकि मेरा इस समय गला थोड़ा खराब है, तो माफी चाहूंगी इसके लिए। फिर हम इसको अच्छे तरीके से अपने नेक के अराउंड अप्लाई करने के बाद इसको मसाज करेंगे। जो जो फेशियल की पोर्शन होते हैं, फेशियल में जैसे आप जिस तरीके से अपने चेहरे की मसाज करते हैं आपको वैसे ही करना है। बिल्कुल ये इतना अच्छा स्मूथ क्रीम रहता है कि आपके चेहरे पे जितनी भी डर्ट और बहुत सारी जो भी चीज़ें काफ़ी टाइम से रुक गई हैं, झाइयाँ हो रही हैं, चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, ये उन सब को अच्छी तरीके से रिमूव कर देगा और आपको देगा बेदाग और ग्लोइंग स्किन। बिल्कुल आपको लगेगा कि आप दूध से अपने चेहरे की क्लेंजिंग कर रहे हैं। वैसे भी हमने इसमें रॉ मिल्क अप्लाई किया है, फेयर एंड लवली अप्लाई की है और लेमन तो कमाल का काम करता है और सबसे मैजिक इंग्रेडिएंट फिटकरी, ये सारी चीजें मिलकर आपके चेहरे पर ऐसा जादू बिखेरेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि भाई जो ग्लो हम महंगे महंगे पार्लर में जाकर इतने पैसे लगाकर खर्च करके पाते हैं वो हमें सिंपल सी चीजों से मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसे मैंने सिर्फ रुमाल से रिमूव किया है, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्किन बेदाग हो गई है और आपको बिल्कुल क्लियर में सामने दिखा रहे हैं। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे इसके रिजल्ट देखकर, इतना अमेजिंग इसका रिजल्ट आपके फेस को मिलेगा। और आपको इसे 1 वीक में आप 2 बार कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना है, 1 वीक में 2 बार करना है, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो समर के सीजन में अगर आप धूप में बार बार निकलते हैं, आपकी स्किन डल होती जा रही है, बहुत रिंकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, चेहरे पर दाग धब्बे बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये उन सब को दूर करेगा। तो इसे अच्छी तरीके से मैं रिमूव कर लेती हूँ। रिमूव करने के बाद आप देख सकती हैं कितना अमेजिंग ग्लो मिला है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर